अभी ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडर नहीं बन सकते। लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण, इसको आपको ढूंढना है, इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो जितना भी ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर, सबका लॉस होता है और अभी भी लॉस होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, लॉस को कम करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं। मार्केट में लोग तीन तरीका से प्रॉफिट और लॉस करते हैं, एक स्मॉल लॉस होता है, एक स्मॉल प्रॉफिट होता है, मिड प्रॉफिट होता है, मिड लॉस होता है, बिग प्रॉफिट होता है, बिग लॉस होता है। तो आपको बिग लॉस को हटा देना है। जैसे प्रो ट्रेडर जो लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं, वो क्या करते हैं, बिग लॉस को हटा देते हैं, स्मॉल लॉस लेते हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं, मिड प्रॉफिट लेते हैं, मिड लॉस लेते हैं, और वो बिग प्रॉफिट लेते हैं, बिग लॉस नहीं लेते हैं। लेकिन जो न्यू ट्रेडर है, बिगिनर, वो क्या गलती करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं लेकिन वो बिग लॉस ले लेते हैं, जिसको उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, फिर उसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये गलती आपको नहीं करना। अगर आप बिगिनर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा भाई, आप उस सीखने का जिज्ञासा है तो आप बहुत ही जल्दी ट्रेडर बन सकते हो और आप गलती कर करके सीख सकते हो। बस मार्केट में अभी आपको पैसे कमाने के व्यू से मत आना, कम से कम 6 महीना 1 साल तो आपको आना ही नहीं है। अब 1 साल मार्केट को सीखने पे दे दिए तो फिर आप पैसा अच्छे खासा कमाने वाले हो। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कितने साल लोग मेहनत करते हैं, 4 साल पढ़ाई करते हो भी थ्योरेटिकल, फिर इसके बाद 2 साल प्रैक्टिकल पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, इसके बाद वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। 6 साल देते हैं डॉक्टर सब, तब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इंजीनियरिंग इसलिए भी 5 साल 6 साल देते हैं, तब वो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। उन लोगों का लिमिट रहता है कि 1 लाख 2 लाख रुपये कमाते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मार्केट में आज ही आए और आज से पैसा कमाना शुरू कर दो, कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इंजीनियर से भी कई ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 1 महीना में ही ट्रेडर बन जाऊँगा, 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दूंगा, कैसे पॉसिबल है? यहाँ भी आपको 1 साल 2 साल सीखने पे देना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिकल इसमें रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा, इससे आपको एक्सपीरियंस आएगा। बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में तुरंत एग्जिट हो जाते हैं, लॉस में बैठे रहते हैं। तो आपको मार्केट में आप बराबर रहोगे तो आपको प्रॉफिट में बैठना पड़ेगा, लॉस में तुरंत एग्जिट होना पड़ेगा। धीरे धीरे आप मार्केट में बराबर रहोगे, मार्केट में आप बराबर रहोगे तो एक दिन मार्केट ही आपको ट्रेडर बना देगा, मार्केट ही आपको सिखा देगा। बस आपको 1 साल 2 साल सिर्फ लर्निंग व्यू से आओ, सीख लोगे आप पे डिपेंड, आप 6 महीना में भी सीख सकते हो। आपको सीखने की जिज्ञासा है तो आप बहुत जल्दी ट्रेडर बन जाओगे। बस अपने गलती को दोबारा रिपीट ना करें, गलती हो रहा है उसको रिपीट ना करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, खुद का एक सेटअप स्ट्रेटजी बनाएं, उसको फॉलो करें। देखो आप ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इम्प्रूव करना है, थोड़ा बहुत आपको प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन पर आपको मास्टर बनना है, कैंडलिस्ट पर मास्टर बनना है, ट्रेंड लाइन पर मास्टर बनना है। यही सब आप सीख लोगे तो आप लाखों एक करोड़ रुपया कमा सकते हो, और यही है, यही काम आता भी है। अभी भले ही आप बहुत कुछ सीख लोगे लेकिन वो आगे जाके वो काम नहीं आएगा। बहुत सिंपल, जितना ट्रेडिंग हो जितना सिंपल रखो इतना स्ट्रांग रहता है, बस विश्वास रखो मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपका लॉस हो रहा था आप ट्रेडर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते, बस अपने गलती को एक्सेप्ट करो कि मैं ये गलती किया हूँ, दोबारा इसको रिपीट नहीं करो और मेहनत करो, सीखने पे ध्यान दो, अभी 3 रात बराबर कर दो सीखने पे, एक दिन आप भी एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। बस विश्वास रखो अपने आप पे, लोग क्या सोच रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपने अंदर से विश्वास है तो फिर आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये है कि थोड़ा डर लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, लॉस होता है तो सच में सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन हिम्मत मत हारना। हिम्मत आज हार दोगे ना तो आज ट्रेडिंग छोड़ दी है तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जितना स्ट्रगल हर बिजनेस से, बिजनेस भी करोगे तो इसमें भी आपको यही हाल होने वाला है, तो वहाँ भी आप सक्सेसफुल नहीं बनना है, नहीं बन पाओगे। तो कभी भी आगे बढ़ चुके हो तो पीछे मत हटना, बस सीखने पर आपको ध्यान देना, एक दिन आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बस अपने आप पर विश्वास रखो, गलती करो उसको रिपीट नहीं करना है, सीखने पे ध्यान दो, एक दिन जरूर आप ट्रेडर बनोगे।